पटना में बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है। बिहार दौरे पर बरसे तेज प्रताप, बिहार में एंट्री को लेकर तेज प्रताप ने शर्त रखी है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का बागेश्वर बाबा पर हमला इस बीच भी देखने को मिला। इशारों ही इशारों में बागेश्वर धाम के पंडित को जेडीयू की ओर से भी नसीहत दी गई है। बिहार दौरे को लेकर बागेश्वर बाबा ने वीडियो जारी किया है, जिसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर तेज प्रताप ने शर्त रखी है, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला है। तो इशारों ही इशारों में बाबा बागेश्वर को लेकर हमलावर नजर आए हैं महागठबंधन के नेता। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय बिहार दौरा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रस्तावित है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं, वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। संत की परंपरा ये नहीं है, संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था और संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करता था। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? ये तो उन्मादी हैं, और उन्मादी संत हो जाए ऐसा भारत में संतों की असल में इसी को जेल में रहना चाहिए, और जेल में नहीं है यही अफसोस की बात है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होता है, हर किसी को अपना काम करने की छूट होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति बहुत पौराणिक है, हमारे साधु संतों का बहुत सम्मान है, हर कोई भाईचारे का ही संदेश देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो किन्हीं के आगमन को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं।